एक ही नंबर। तो गाइस ये इतना टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटोगे यहाँ पर। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने थंबनेल और इंट्रो देखा ही होगा, तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आ चुके पुणे की ऐसी जगह, यहाँ पर मिलता है पिज्जा। और मैं थोड़ा सा ये लाइफ में पहली बार ये पिज्जा ट्राई करने वाला हूँ, और देखते हैं कैसा ये पिज्जा है, क्योंकि मैंने कभी ये पिज्जा ऐसा खाया नहीं है। तो मैं इसकी टेस्ट बताऊंगा कि कैसी है, और इसकी प्राइस भी बताऊंगा कि कैसी है, कितनी है। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये पिज्जा है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और गाइस मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ये ब्लॉग आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस मेरे ये पीछे देख सकते हैं, ये है वो होटल। तो यहाँ पर आज हम पिज़्ज़ा ट्राई करने वाले हैं, तो देखते हैं अंदर जाकर। और ये होटल देख लीजिए, यहाँ पर केविंग्स ये होटल है, और यहाँ पर देखते हैं कि कितने वैरायटी के यहाँ पर पिज़्ज़ा मिलते हैं। तो चलिए हम तो ये के ट्राई करने वाले हैं, पर आपको दिखाने के लिए मैं देखूँगा कि कौन कौन से यहाँ पर पिज़्ज़ा मिलते हैं, और अंदर देखते हैं जाकर। और देखिए ऐसा कुछ ये होटल है, और ये पुणे सोलापुर हाईवे है, इसके पास ही ये होटल है। सो गाइस अभी चलिए अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर बैठने की कैसी जगह है। और देखिए बाहर भी ऐसा कुछ यहाँ पर टेबल वगैरह है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, और अंदर की भी बहुत ही अच्छी सी सुविधा है बैठने के लिए। ये बाहर का ऐसा कुछ टेबल है, तो चलिए अभी अंदर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर केविंग्स, यहाँ पर आपको ये लोगो दिखाई देगा, और अंदर की जगह देखिए। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ये होटल लगा, तो चलिए अभी ट्राई करते हैं, अभी यहाँ पर पिज़्ज़ा एक ऑर्डर कर देते हैं अच्छा सा। तो थोड़े से मैं आपको इसके सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर यह होटल है, आपको भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो वैसे पहले तो हमें यहाँ पर पानी की बोतल दी जाएगी, और हमने जो ऑर्डर किया है यहाँ पर पनीर चिली पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, वो है यहाँ पर देखिए 260 रुपए का है, वो भी 9 इंच का है, और यहाँ पर 12 इंच का भी है। देखिए यहाँ पर इसकी जो कीमत है 350 रुपए कीमत है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसा ये पिज़्ज़ा है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। और यहाँ पर ये मुझे बहुत ही अच्छा सा सिस्टम लगा है, देखिए यहाँ पर फैमिली भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर 4 लोग भी बैठ सकते हैं, 6 लोग भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पर ये खूबसूरत, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये जगह लगी, यहाँ पर सोफा है और झूला है, इसके ऊपर आप बैठकर मस्त आराम से खाना खा सकते हो, यहाँ पर जो कि पिज़्ज़ा खा सकते हो, पिज़्ज़ा बर्गर यहाँ पर जो भी आप ऑर्डर करते हो वो आप खा सकते हो। तो किचन के अंदर अलाउड नहीं है वीडियो शूट करना, तो थोड़ा सा हम झूले के ऊपर वगैरह बैठते हैं। तो गाइस अब दो लोग भी आते हो तो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, ऐसे जितना जल्दी चलाएं। तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ पर ये टेबल है, तो आप यहाँ पर 6 लोग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, और यहाँ पर 2-4 जितने हो आपके साथ वो भी यहाँ पर बैठकर आराम से खा सकते हैं। देखिए आसपास व्यू।
सो फाइनली गाइस देखिए यहाँ पर पिज्जा यहाँ पर हमारा आ चुका है, ये 9 इंच का है और अभी हमें इसे करना है ट्राई। तो देखते हैं, मैं तो लाइफ में पहली बार इसे खाने वाला हूँ क्योंकि अभी तक मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है पिज्ज़ा। तो देखते हैं इसकी टेस्ट कैसी है। तो देखिए ऐसा कुछ ये पिज्ज़ा है। तो गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये पनीर चिली पिज्ज़ा के अंदर क्या क्या आया है। और देखिए यहाँ पर तो टमेटो सॉस की ये छोटी छोटी यहाँ पर पॉकेट आई हैं 5। और देखिए ऐसा कुछ ये पिज्ज़ा है और यहाँ पर ये दोनों के लिए खाने के लिए यहाँ पर 2 लोग इसके अंदर रख कर खा सकते हैं एक एक पीस। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं और मैं आपको इसकी टेस्ट बताता हूँ कैसी है। और ये हमें जो पड़ा है 260 रुपये में ये पड़ा है, देखते हैं इसे खाकर। तो फाइनली गाइस अभी हम ये पिज्ज़ा ट्राई करते हैं और देखिए मैं अभी झूले के ऊपर बैठ चुका हूँ और देखते हैं इसका एक पीस निकाल लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए ऐसा कुछ यहाँ पर ये छोटा सा ट्रे है जो कि इसके अंदर लेते हैं 1 पीस। देखिए भाई, और मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है पहले। तो ये देखिए ऐसी कुछ ये मिर्ची वगैरह है। अभी बारी है टमेटो सॉस की, ये देखिए ये अपने अंदाज में इसे डालना अभी और इसे रखना यहीं पर ही नीचे। पहले बाइट में तो पता नहीं चलता है कि ये कैसा है। और एक बार एक ही नंबर। तो गाइस ये इतना टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटोगे यहाँ पर ऐसे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए हमारा दोस्त अभी वीडियो शूट कर रहा है तो उसे भी ट्राई करने देते हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अभी खाकर मिलता हूँ आपको। कैसा लगा अभी? बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है ना, उंगलियां चाटोगे ना यहाँ पर आने के बाद? बिल्कुल। सो फाइनली गाइस खाना पीना फुल हो चुका है, जो कि हमने जो पिज्जा खाया वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे थोड़ा सा थैंक यू तो बनता है क्योंकि बहुत ही अच्छा और टेस्टी ये पिज़्ज़ा था। तो चलिए पहले हम उनके पास जाकर आते हैं। यहाँ पर ये जो होटल है ये यहाँ पर मैनेजर है। तो सर आपका नाम क्या है? आकाश। तो देखिए आकाश सर यहाँ पर है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली मुझे, क्योंकि बहुत ही अच्छा था। तो चलिए गाइस अभी बिल कर देते हैं। तो चलिए फाइनली यहाँ से चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस।